कुरकुरी, करारी, क्रिस्पी और क्रंची, बाजार से भी बढ़िया चकली, ऐसा सीक्रेट तरीका। ना चकली तेल में बिखरेंगी, ना तेल सोखेंगी और ना मुलायम पड़ेंगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल बहुत बहुत स्वादिष्ट 100% नो फेल चकली की रेसिपी। सबसे खास बात, न तेल पिएंगी, न तेल में बिखरेंगी और ना ही मुलायम पड़ेंगी। सबसे कुरकुरी और क्रिस्पी बनी रहेंगी महीनों। साथ ही बिना मशीन के चकली कैसे बनाएं वो भी मैं आपको बता दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुरकुरी, करारी, झटपट पोहा चकली बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे 1 कप पोहा, जिसे हम चिरवा या चूड़ा भी बोलते हैं। मेजरमेंट के लिए क्या करें, घर की कोई भी एक कटोरी या एक कप ले लीजिए, उसी से पूरी आप चकली का मेजरमेंट करिए, बिल्कुल भी चकली बनाने में आपको परेशानी नहीं आएगी। तो मैंने ये कप लिया है, तो इस कप से सिंपल जो पोहा हम अपना नमकीन पोहा बनाते हैं ना, हल्का सा मीडियम जो मोटा वाला होता है, सिंपल मैंने ये वो लिया है, कोई भी ले सकते हैं आप। पोहे से बनी चकली ज्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनती है और बिल्कुल भी सख्त नहीं लगेंगी खाने में। अब जो नेक्स्ट चीज जाएगी जिससे स्वाद आएगा चकली में बहुत ही बढ़िया, और वो है 1/2 कप रोस्टेड चना दाल, जिसे हम फुटाना दाना भी बोलते हैं, जो प्रसाद वगैरह में यूज होती है ना, इस तरह की जिससे चटनी भी बनाते हैं, ये बस मैंने वो ली है। इसे रोस्टेड ग्राम दाल या फुटाना दाना बोला जाता है। मान लीजिए आपके पास रोस्टेड चना दाल नहीं है तो आप यहाँ पर बेसन का यूज कर सकते हैं, तो इसको भी यहीं पर एक पैन में डाल देंगे। दोनों चीज मैंने पैन में ही ली है पहले। अब यहाँ पर पैन को चढ़ाएंगे गैस पर, तो बस लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए सिर्फ 1-1.5 मिनट हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा ही क्रिस्प हो जाए। इससे क्या होगा, जो भी नमी होगी वो निकल जाएगी। फिर जब हम इसे पीसेंगे एकदम फाइन पाउडर तैयार हो जाएगा बहुत ही जल्दी। अब ऐसे जब हम चकली वगैरह गणेश चतुर्थी पे बनाते हैं, मिक्स दाल वाली या मिलेट्स वाली, उन सब में मेहनत बहुत लगती है, सामान बहुत चाहिए होता है, और कभी कभी रेशो बिगड़ जाने से क्या होता है कि तेल पी लेती हैं चकली या बिखरने लगती हैं तेल में, तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। लेकिन ये जो चकली है इनमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जो तरीका, जो टिप्स मैं आपको, जो रेशो और स्टेप्स बताऊंगी, परफेक्ट चकली तैयार होंगी, एकदम आसान वाली है। लीजिए, तो सभी चीजें बढ़िया से भुन गई हैं, और सबसे अच्छी बात, गणेश चतुर्थी पे जहाँ पर हम सभी लोग इतने बिजी रहते हैं, तो ये एकदम फटाफट वाली चकली है जो तुरंत बन जाती है। तो गैस को कर देंगे बंद क्योंकि सभी चीज हल्की सी रोस्ट हो गई है, थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अब आप लीजिए 1 ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में ठंडा हो जाने के बाद सारे मिक्स को डाल देंगे और बढ़िया से इसका एक फाइन पाउडर तैयार करेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट, आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन हो गया है। अब हम लेंगे एक बड़ी परात या एक बड़ा बर्तन, और उसमें मैं यहाँ ले रही हूँ चकली को सुपर क्रिस्पी और मार्केट जैसा बनाने के लिए 1.5 कप चावल का आटा, राइस फ्लावर लिया है मैंने। तो जिस कप या कटोरी से आपने पोहा लिया उसी से आप चावल का आटा ले। चावल का आटा आप बहुत ही जल्दी आप घर में तैयार कर सकते हैं। चावल लीजिए, हल्का सा धो लीजिए, धो करके सुखा लीजिए, और सुखा करके मिक्सी में डालकर पीस लीजिए। छान करके आपका चावल का आटा तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा तैयार पोहे और ग्राम दाल वाला मिक्स। तो ऐसे नहीं डालेंगे, एक छलनी लेंगे और छलनी पर इस तरह डाल करके छान देंगे, तो जो भी थोड़ी बहुत इसमें कनी होगी ना, मतलब कुछ मोटे पीसेस होंगे, वो हट जाएंगे। अब ये जो मैंने रेशो लिया है ना, 100% क्रिस्पी आपकी चकली बनेगी, कुरकुरी भी रहेंगी पर कड़क नहीं होंगी। सबसे खास बात ये देखिए, परफेक्ट। सब चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ हम डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल चीजें, तो मैं डाल रही हूँ 4 बड़ा चम्मच सफेद तिल। तिल के बिना चकली कैसी, बहुत सारा कैल्शियम होता है तिल में, तो जरूर डालें। जनरली इस रेसिपी को बनाने में हमें जो भी दिक्कतें आती हैं, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहली बार में ही आपकी जो रेसिपी है 100% परफेक्ट बनेगी। तो ये हो गया 4 चम्मच सफेद तिल। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच अजवाइन। तो इस तरह क्रश करके डालें, बहुत अच्छा स्वाद आता है चकली में। आप चाहें तो जो मंगरेला होती है ना, कलौंजी, वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, साथ ही डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग। बहुत बढ़िया टेस्ट देती है चकली में, बाजार की चकली में भी जरूर होती है। सभी चीजों को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स करेंगे। अब आती है वो सीक्रेट टिप, चकली को एकदम परफेक्ट खस्ता, क्रिस्पी और क्रंची कैसे बनाएं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 4 बड़ा चम्मच घी, लेकिन घी को ऐसे नहीं डालेंगे। एक आप कोई तड़का पैन लीजिए या कोई पैन में घी डालकर पहले हमें करना है बढ़िया से गरम।
ये लीजिए, बिल्कुल बढ़िया गरम घी मैंने कर लिया है। गरम घी ही आप चकली में डालें, इससे क्या होगा कि जब आप चकली बनाएंगे ना तो वो तेल सोखेगी और साथ के साथ ज्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। परफेक्ट मोइन का होना बहुत जरूरी है एक बढ़िया चकली के लिए। घी डालकर पहले चम्मच से हल्का मिक्स कर लेंगे क्योंकि गरम है ना घी। अब हाथ से बिल्कुल बढ़िया से घी को रेशे रेशे में मिक्स कर देंगे, इससे चकली में समान घी चला जाए। अब जैसे मैंने घी लिया, आप अगर बटर चकली बनाना चाहें तो यहाँ आप बटर भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके देखिए इस तरह मुट्ठी बांध कर देखिए, हल्की सी मुट्ठी बांधनी है और ये देखिए बंद रही है, यानी परफेक्ट हमने इसमें मोइन डाला है। अगर आपको बहुत बिखरा लगे तो थोड़े से घी की मात्रा और बढ़ा लें, घी की जगह तेल भी ले सकते हैं। घी से ज्यादा खस्तापन, बहुत ज्यादा कड़क जो दांतों में लगती है ना वैसी नहीं बनती है चकली, खस्तापन बढ़िया रहता है। अब जो नेक्स्ट सीक्रेट चीज है वो है गरम पानी। तो यहाँ पर मैंने लिया है एकदम बढ़िया हॉट वाटर। गरम पानी से ही हमें पूरे आटे को लगाना है, तभी चकली में बढ़िया क्रिस्प आएगा और स्वाद बढ़िया आएगा। तो धीरे धीरे करके गरम पानी डालेंगे और अच्छे से आटे को गूंथ लेंगे। बहुत ज्यादा सख्त आटा नहीं लगाना और बहुत ज्यादा मुलायम नहीं, सेमी सॉफ्ट मीडियम आटा हमें तैयार करना है। ये देखिए आटा मैंने बढ़िया से गूंथ लिया है, देखिए ना सख्त है ना बहुत ज्यादा मुलायम है। अगर आप ज्यादा सख्त आटा लगा देंगे तो बाद में जब आप चकली बनाएंगे उनमें क्रैक्स आने लगेंगे, चकली टूटने लगेगी। गर्म पानी डालने से बढ़िया कुरकुरापन आता है चकली में, इसलिए गर्म पानी से ही आटे को लगाएं। चलिए तो हमारा सब काम रेडी हो गया है, ये बड़ी फटाफट वाली चकली है। मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया जिससे आप चकली पहली बार में ही परफेक्ट बना ले। अब हम लेंगे हमारा चकली वाली मशीन यानी कि चकली मेकर, और उसमें हम जो साचा लेंगे वो ये स्टार वाला लेंगे। नीचे साचे को फिट कर लेंगे और साथ ही चकली का जो ऊपर का सिलेंडर होता है इसको थोड़ा सा ऑयल डाल करके ग्रीस कर लेंगे। अब हम लेंगे हमारा चकली वाला मिक्स और इस तरह से रोल बना करके इसमें पूरा बढ़िया से भर देंगे। अच्छा ऊपर ना जगह मत छोड़िएगा क्योंकि एयर आ जाती है, फिर बहुत प्रेशर देना पड़ता है, चकली प्रॉपर निकल नहीं पाती है। ऊपर तक भरिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट आपका जो मिक्स है निकलेगा, तो आप चकली आसानी से उसको गोल गोल बना पाएंगे। अच्छा एक बात और, यहाँ पर ना आटे को आपको रेस्ट पे नहीं रखना है, तुरंत से अपनी चकली तैयार करनी है। बचे हुए आटे को ढककर रख देंगे। अब आप लीजिए एक कोई प्लेट ले लीजिए, चाहे तो प्लास्टिक की प्लेट ले लीजिए या बटर पेपर लगा लीजिए, सिंपल मैं तो स्टील की पे ही बना रही हूँ, बहुत आसान है। हल्का सा ऑयल या घी लगाकर उसे ग्रीस कर लें। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए चकली को बनाते जाएंगे, बहुत ही आसान। ये देखिए जलेबी की तरह से ना बस राउंड राउंड इस तरह एक ही बार में हम निकालते जाएंगे जिससे कि ब्रेक ना हो, इसीलिए बहुत ज्यादा सख्त आटा बिल्कुल नहीं लगाना है। देख रहे हैं ना आप एकदम स्मूथली निकल रही है, बहुत मजा आएगा आपको ये चकली बनाने में, टेस्ट भी एकदम मस्त आता है पोहा चकली का। और कितनी बड़ी कितनी छोटी बनानी है आप अपने मन अनुसार बना सकते हैं। अब बस यहाँ से इस तरह से इसको हटा लेंगे और इसका एंड को सील कर देंगे इस तरह दबाते हुए, और जो बीच वाला हिस्सा है ना उसको भी हल्का सा प्रेस कर देंगे कि जब हम चकली फ्राई करें तो वो तेल में जाके बिखरे नहीं। तो इसी तरह मैं एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये जो मशीन है इसका ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अच्छा बिना मशीन के चकली कैसे बनाएं वो भी मैं अभी आपको आगे बता दूंगी। थोड़ा हाथ से सेट कर लेंगे, परफेक्ट। तो सारी चकली बिल्कुल इसी प्रकार तैयार कर लेंगे, है ना एकदम आसान। लीजिए तो ये तो हो गया मशीन से चकली बनाने का तरीका। मान लीजिए आपको इस तरह गोल गोल चकली नहीं बनानी है, आप मशीन नहीं है तो आप थोड़ा सा आटा लीजिए, आटा लेकर के इस तरह से लंबा रोल बना लीजिए पतला सा, और कट लगा के लंबी लंबी स्टिक की तरह भी इसको आप फ्राई कर सकते हैं। तो जैसे चाहे वैसे तैयार कर ले। यहाँ पर तेल को मैंने पहले ही कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था। चकली बनाने के लिए सबसे जरूरी पॉइंट हमें चाहिए मीडियम हॉट ऑयल, न बहुत तेज गरम न बहुत ज्यादा ठंडा, मध्यम गरम चाहिए। देखिए इस तरह छोटा टुकड़ा आप आटे का डालकर देखिए, ये देखिए धीरे से ये ऊपर आया बबल्स के साथ, बस इतना गरम होना चाहिए, परफेक्ट चकली हमारी सिककर तैयार होंगी, तभी वो अंदर तक भी सिकेंगी और कुरकुरी बनेंगी। अब आप लीजिए एक करछी और करछी से देखिए इस तरह उठाइए जैसे कि शेप ना खराब हो, और धीरे धीरे तेल में हम डालते जाएंगे। अभी बिल्कुल भी चकली को नहीं छुएंगे, जब ये हल्की सी ऊपर आ जाएंगी थोड़ी फर्म होने लगेंगी तो बस कुछ देर बाद इस तरह फोक से हम इन्हें उलट पुलट कर देंगे। ये जो चकली है हमेशा परफेक्ट भी बनेंगी, और आप देख सकते हैं बिल्कुल बिखरी नहीं है तेल में, और एकदम कुरकुरी भी तैयार होंगी, तेल नहीं पिएंगी। कितने सस्ते में आप इतनी ढेर सारी चकली तैयार कर पाएंगे, वो भी बिना मेहनत मिनटों में।
ये देखिए एकदम बढ़िया गोल्डन कलर हमारी चकली में आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं परफेक्ट कलर दिख रहा है। और एक प्लेट पर इस तरह लीजिए, एक स्ट्रेनर या एक छलनी ले लीजिए इस तरह की, उसके ऊपर निकाल लेंगे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो नीचे ड्रिप हो जाएगा और चकली मुलायम नहीं पड़ेगी। सारी टिप्स बताती जा रही हूँ आपको। ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है, गोल गोल कांटेदार जैसे बाजार की होती है, मस्त एकदम। तो इसी तरह हम अपनी सेकंड बैच की चकली भी फ्राई कर लेंगे। अच्छा ये तो बन गई हमारी सारी चकली। अगर मुरक्कू बनाने हैं आपको लंबी लंबी स्टिक, तो बस इस तरह मशीन से धीरे धीरे आप डालते जाइए, इस तरह लंबी स्टिक्स बना लीजिए, है ना आसान तरीका। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी गणेश चतुर्थी स्पेशल इंस्टेंट बनने वाली पोहा चावल की बहुत बहुत कुरकुरी करारी क्रिस्पी क्रंची बाजार से भी बढ़िया चकली। और ये देखिए इसका क्रिस्प आई ना आवाज। एक और मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, परफेक्ट बनी है एक एक चकली। ये देखिए इसकी लुकिंग से ही आपको समझ आ रहा होगा एकदम बेहतरीन चकली बनी है, टेस्ट में बड़ी लाजवाब है, कुरकुरी रहेंगी 2 महीने तक भी। इस तरह से बना करके जब ये पूरी ठंडी हो जाए आप एयर टाइट बॉक्स में भर करके रख लीजिए, ये 1.5-2 महीने भी खराब नहीं होंगी। लेकिन आपकी चकली बचेंगी ही नहीं, क्योंकि ये इतनी क्रंची इतनी मजेदार होती है कि बच्चे तो ऐसे ही मांग मांग के चट कर जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये पोहा चकली की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।